मैं काफी सारे कॉलेज रिव्यूज बनाने वाला हूँ, और अगर आप अभी ट्वेल्थ में थे और कॉलेजेस ढूंढ रहे हो और वो भी स्पेशली इंजीनियरिंग के, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो ताकि जैसे ही मैं कोई कॉलेज रिव्यू निकालूं आपके पास बेल नोटिफिकेशन आ जाए। नमस्ते सत श्री अकाल सबको, दिस इज साहिल गौरी और आज हम बात करेंगे LNMIT के बारे में। यार तो काफी अच्छा कॉलेज है वो जयपुर का, उसका रिव्यू करने के लिए मैंने यार वहीं के एक फिटनेस एंथुसियास्ट को बुलाया जो 2019 के पास आउट स्टूडेंट है, तो उन्हीं से जानेंगे कि कैसा कॉलेज है, क्या सब इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या फीस है, क्या प्लेसमेंट्स जाती हैं नहीं जाती हैं, कितना ट्रुथ है कॉलेज के बारे में जो उनकी वेबसाइट पे दिखाया जाता है, तो सब बातें कवर करेंगे यार। तो मिलते हैं उनसे। हाय अक्षत। हेलो। तो यार आप अभी क्या कर रहे हो, थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दो यार अपनी स्टूडेंट्स को। मैं 2015 बैच में मैंने स्टार्ट किया था मेरा मतलब कॉलेज, सो आई एम फ्रॉम 515 एंड थ्रू आउट माय कॉलेज आई वाज नॉट दैट मच इंक्लूडेड इनटू एकेडमिक्स एंड ऑल। मेरा पहले से एम था टू बी इनटू फिटनेस इन्फ्लुएंसर, मैं बनना चाहता था, and by second year only I have started earning and मैं उसी field में, fitness field में अपना काम start कर चुका था, तो right now I'm pursuing that only, certified nutritionist and a trainer. Okay यार, तो बहुत अच्छी बात है, मैंने आपकी यार Instagram वगैरह देखा है तो काफी अच्छा काम कर रहे हो यार आप। तो यार थोड़ा एक brief introduction दे दो यार LNMIT का, कि आप क्या बोलोगे यार उस कॉलेज के बारे में। कॉलेज की बात करें तो one of the best college हमारा कॉलेज आता है राजस्थान में, so it's a very good college area wise भी, और सारी facilities वहाँ सब available है because वो city से काफी दूर है, so जामडोली एक गाँव है वहाँ से भी 3-4 kilometer आगे है, तो facilities उन्होंने सारी provide कराई है, streams सारी available नहीं है, it's a basically a technical college, तो electronics, computer science, mechanical mechatronics हो गया and उसके बाद CSE है, तो these are the fields which are available there. Okay यार, तो ये तो आपने काफी सही चीज बताई कि technical college है, तो नेक्स्ट चीज यार इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं और एडमिशन कैसे ले सकते हैं स्टूडेंट्स, क्या क्या ऑप्शंस है अप्लाई करने का। तो सिंपल ऑप्शन है, देयर इज नो नथिंग काइंड ऑफ डोनेशंस एंड ऑल, कुछ भी अवेलेबल नहीं है ऐसी चीजें, सिर्फ जेई क्लियर करेंगे और आप उसके बेसिस पे वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। जेई क्लियर करने के बाद एक मेरिट लिस्ट बनेगी, उसमें फिर स्ट्रीम्स रहती है कि भाई सीएस का कितना जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का कितना कट ऑफ जाता है, तो कट ऑफ के हिसाब से ही आपका सिलेक्शन होता है, प्योर जेई बेस्ड। तो लाइक नॉर्मल कट ऑफ वगैरह और कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ जेई मेंस, उनका कोई अपना एग्जाम नहीं होता। नहीं अपना नहीं, मतलब जेई क्लियर करने के बाद भी आप अप्लाई करोगे फिर मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको फील्ड क्या मिलता है स्ट्रीम वो है। ओके तो आपने बताया कि ये टेक्निकल कॉलेज है पूरा, ज्यादा स्ट्रीम्स नहीं है, तो एक बार बताओगे क्या क्या कोर्सेज हैं यार इसमें अपने पास अवेलेबल है। जो हमारे टाइम पे हमने जब ज्वाइन किया था, so the fields are computer science, we have CSE, we have electronics and communication, mechanical mechatronics, 5 branches isme aap apply kar sakte ho, cut off basis pe CS hamesha highest cut off pe jata hai. Okay, aur yaar seat matrix kya rehta hai, kitne students lete hain ek stream mein? See aisa hai ki ye keep on changing hai na, to hum jab gaye the tab hum log like 200 to 300 students the, हमारे बाद जो बैचेस आए फिर वो 500 तक भी गए, 600 तक भी गए, सो अब हर साल इनका चेंज होता रहता है कि वो कितने स्टूडेंट्स उसमें ले रहे हैं, सो वी कांट जस्ट से अबाउट इट कि कितने हो सकते हैं अब। ओके फाइन। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने यार वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैं आपके लिए ऐसे ही और बढ़िया कॉलेज रिव्यूज लाता रहूंगा। यार ये तो आपने कोर्सेज के बारे में हमें बता दिया, बट अब इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बताओगे कि कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है कॉलेज का, वेल मेंटेन्ड है नहीं है सब थोड़ा। सो कॉलेज का एरिया तो इट्स अ वेरी गुड एरिया, काफी ज्यादा एरिया है, मतलब दे हैव अ लॉट ऑफ स्कोप कि अगर अभी भी अगर उनको और हॉस्टल्स एंड और डेवलपमेंट करना हो तो वो लोग कर सकते हैं, एंड एकेडमिक एरिया इज गुड, एसी इज अवेलेबल नहीं है, दे आर डक्स, डक्स है वहां पे, लैब्स में एसी होते हैं लेकिन क्लासरूम्स में डक्स है, तो उनका टाइमिंग होता है, खैर वो जब ऑन होते हैं जब क्लासेस होती है उस हिसाब से ही है, and labs are well equipped, labs काफी अच्छी हैं
और आपको जो लाइब्रेरी एंड ऑल देखें तो लाइब्रेरी भी मॉर्निंग से लेके जब तक आपका एंड टाइम होता है तब तक ओपन रहती है, कंप्लीट फुल डे ओपन रहती है। नाइट में एंड भी ओपन रहती है? नहीं, नाइट में नहीं ओपन रहेगी। जैसे अगर 10 साढ़े 10 बजे अगर आपका हॉस्टल टाइम खत्म हो गया है, से हैव टू गो बैक। एग्जाम टाइम में वो लोग 12 बजे तक ओपन कर देते हैं रात को, कि अगर मिड टर्म्स आ रहे हैं एंड टर्म्स आ रहे हैं तो उस टाइम पे दे लो ओपन इट। बाकी आप यू कैन इशू द बुक्स एंड ऑल, वो तो नॉर्मल खैर होता ही है ऑब्वियसली। एंड उसके अलावा जो कैंटीन एरिया है, वी हैव अ गुड नाइस कैंटीन एरिया, और कैंटीन वाले लोग भैया लोग बहुत अच्छे हैं, काफी अच्छे हैं, एंड नेचर वाइज भी और वैसे भी। और उसके अलावा आपको मैस फैसिलिटीज तो आप जानते ही हैं, खैर कॉलेजेस में नॉर्मल मैस होती है, वी कांट हम ज्यादा एक्सेस तारीफ नहीं कर सकते किसी चीज की, बट फिर भी मतलब मैंने जो और भी जगहों पे सुना है उनसे लोग कहते हैं कि हमारी मैस काफी सही है। सो दे आर माई फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे यहाँ पे मतलब हमारे कॉलेज में आके खाया है, देवर सेइंग कि यार आप तुम्हारी मैथ्स काफी बेटर है देन अदर देन मतलब बाकी जो कॉलेजेस में होती है उसके अकॉर्डिंग। वाईफाई काफी अच्छा अवेलेबल है, जो ईथरनेट होता है कनेक्शन, आप अपने लैपटॉप में डायरेक्ट इथरनेट कनेक्शन कर रहे हैं, इट इज वेरी वेरी गुड, नेट स्पीड काफी अच्छी है। उसके हाँ अलावा मेडिकल सर्विसेज काफी अच्छी अवेलेबल है हमारे यहाँ कॉलेज में, मेडिकल सर्विसेज गुड, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। वी ऑल्सो हैव एम्बुलेंस, वही एम्बुलेंस भी है उनके पास ही, सो कोई भी प्रॉब्लम आती है क्योंकि सिटी से दूर है तो उनको ये सब मैनेज करना जरूरी है। स्पोर्ट्स अप्रोक्सीमेटली सारे ही है, मतलब बास्केटबॉल, टेनिस ग्राउंड, बैडमिंटन, काफी और भी मतलब जो इंडोर स्पोर्ट्स होते हैं वो भी है, कैरम एंड ऑल, वो एक्टिविटी के लिए भी लोग वहाँ पे अवेलेबल है। और उसके अलावा जिम है, नॉट दैट गुड जिम, बट बहुत पहले बनाया हुआ है, 2006 या 2008 के टाइम पे जो हमारे सीनियर्स ने डेवलप किया था वही जिम है, बेसिक सा जिम है, नथिंग मच। एंड उसके अलावा वी हैव नाइट लाइफ, तो मतलब कॉलेज के अंदर अगर देखो तो नाइट लाइफ तो नहीं है क्योंकि बाहर निकलना अलाउड नहीं है हॉस्टल्स के, लेकिन हाँ ओके नाइट कैंटीन एंड ऑल अवेलेबल हो जाती है, आप बाय कर सकते हो, आप खाना ले सकते हो रात में एंड ऑल, ये सब है ठीक है यार, मतलब कैंटीन से। ओवरऑल देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है। हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर सही है, यस कॉलेज का, ओके एंड ग्रीनरी एंड ऑल भी अच्छी है, तो नाइस ओके एटमॉस्फेयर इज फाइन नाइस। ओके। तो अक्षत इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है यार कॉलेज का? कॉलेज के अंदर फीस स्ट्रक्चर कीप ऑन चेंजिंग, मैं बताऊं तो जब मैंने ज्वाइन किया था तब आई हैड पेड अराउंड 135 कंप्लीट फॉर वन सेम, ओके, तो ये और सिर्फ आते आते कॉलेज का है या हॉस्टल का भी? इसके अंदर सब इंक्लूडेड है, हॉस्टल, मेस, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, इंटरनेट, एवरीथिंग, वो कंप्लीट आपको देना ही है तो वो सब इंक्लूड होता है। एंड पर सेम, पर ईयर नहीं है, पर सेम। और 135 जब मैं था 2015, आज की ओके डेट में लास्ट टाइम जब हम निकले थे तब 185 अराउंड पर सेमेस्टर पे ओके, किया तो था मुझे। ये इट कीप ऑन इंक्रीजिंग, लाइक काफी ज्यादा बढ़ गया है देखा जाए तो। और क्या हॉस्टल फैसिलिटी लेनी ही पड़ती है आपको या फिर? 90% तो कंपलसरी ही है, बहुत रेयर केस में वो आपको टोलिंग करने देंगे, वो बहुत रेयर केस है, आपको अप्लाई करना पड़ता है, बट अगर कोई वहीं पे ही रहता हो तो, लाइक मतलब लाइक जयपुर का जयपुर ही रहते हो? हो, हाँ या जयपुर के हो तो भी आपको एक सॉलिड रीजन तो चाहिए, बिकॉज जयपुर के ही है काफी ज्यादा बच्चे, बट दे हैव टू लिव इन हॉस्टल बिकॉज कॉलेज ओके काफी दूर है, तो यू नीड टू हैव सम गुड रीजन। ओके आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है, एंड लाइक ओके हर साल शायद हर सेमेस्टर 20-30 बच्चे हैं जो डे स्कॉलिंग करते हैं मुश्किल से। ओके फाइन। अक्षत यार, हॉस्टल लाइफ काफी इम्पोर्टेंट होती है स्टूडेंट्स की लाइफ में यार, तो हॉस्टल कैसा है यार यहाँ का? अच्छा है नहीं है? फैसिलिटीज वगैरह क्या क्या है वो सब थोड़ा बता दो। हॉस्टल मतलब ठीक है, मतलब आई आई फील सो कि जितना वो लोग सेमेस्टर के लिए अमाउंट लेते हैं उस बेसिस पे हॉस्टल उतने ज्यादा अच्छे नहीं कह सकता मैं। एंड हॉस्टल्स के अंदर बेसिकली मेन प्रॉब्लम थी हमारे टाइम तक तो कि एसी तो है ही नहीं, तो यू हैव डक्ट सर्विसेज, प्लस हम अपने आप तुम्हें पता है कि ज्यादातर टाइम अपने इंडिया में गर्मी रहती है, बहुत ज्यादा गर्मी, राइट? सो हॉस्टल्स के अंदर डक्ट्स का एक फिक्स टाइम है कि इतने से इतने बजे तक वो चलेंगे, टेन टू वो बंद हो जाएंगे, एंड डक्ट्स में प्रॉब्लम आ जाती है, कभी नहीं चलते, टाइम पे ऑन नहीं होते हैं, तो प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों को बहुत ज्यादा, उससे रिलेटेड मुझे बहुत ज्यादा आई पर्सनली। एंड अब उन्होंने शायद इस साल से एक नई बिल्डिंग के अंदर एसी रूम्स भी अवेलेबल करे हैं, पर हाँ फिर भी 80% बच्चों को तो नॉन एसी रूम्स में ही रहना पड़ेगा। एंड उसके अलावा वी हैव टू शेयरिंग और सिंगल रूम्स अवेलेबल होते हैं, फर्स्ट ईयर में अगर तुम जा रहे हो तो तुमको टू शेयरिंग रूम ही मिलेंगे 99%, एंड देन उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो सिंगल रूम्स के लिए रीजंस के साथ, फोर्थ ईयर में सबको सिंगल रूम मिलता है,
एंड उस रूम में चीजें तो सब कुछ है, बेड है, अलमीरा इज गुड, आपको डेस्क मिल रही है आपकी, आपको वहाँ पे तो थिंग्स आर देयर, कोई दिक्कत नहीं है. वॉशरूम सेपरेट है, आपको रूम में वॉशरूम नहीं मिलेगा, आपका पूरा विंग का एक वॉशरूम होता है, तो सिंगल वॉशरूम है. वॉशरूम के अंदर क्लीनिंग वीनिंग तो डेली है, लेकिन जो बेसिक मेंटेनेंस है कि भाई कांच अगर बहुत ज्यादा खराब हो गया, मतलब शक्ल भी नहीं देख सकते हो, तो भी चेंज नहीं होगा, तो ओके वो चीज है. मतलब मैंने मेरे मेंटेनेंस चार तो ये साल में सही कुछ भी चेंज हो नहीं देखा, पर ठीक है, सफाई हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इट्स लाइक की फीस बढ़ती जा रही है एंड उस हिसाब से है। कुछ बदलता हुआ नहीं दिखा. ओके फाइन। और यार थोड़ा मेस का खाना वगैरह कैसा है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज मैस का है मैंने कि बताया नहीं ना है? आपको, मैस में अवेलेबिलिटी बहुत सारी है, नॉनवेज नहीं है, वेज ही है, बट अवेलेबिलिटीज बहुत सारी है, खाना सब कुछ है, बट फ्रेंकली मुझे उतना पसंद नहीं आता है, लेकिन हाँ लोग कहते हैं कि बाकी कॉलेजेस के हॉस्टल से वो मैस का खाना काफी ज्यादा अच्छा है हमारे कॉलेज का. स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हॉस्टल में अलग से अवेलेबल है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज या कोई कंप्यूटर रूम, लाइब स्टडी रूम? आपको हाँ बैडमिंटन खेलने के लिए आपको वहाँ पे अवेलेबल है, बैडमिंटन नहीं सॉरी, हाँ टेबल टेनिस, टेबल टेनिस ओके खेलने के लिए अवेलेबल है, ओपन एरिया भी है बीच में जहाँ बच्चे क्रिकेट विकेट खेल लेते हैं एसच. ओके। तो लाइक हॉस्टल ठीक ठाक है, इतना आप जिस हिसाब से वो फीस ले रहे हैं उस हिसाब से अच्छा नहीं है एक देखा जाए तो? क्या हॉस्टल नहीं कह सकता मैं, हॉस्टल इज लिटिल बिट पुअर. तो अक्षत अब प्लेसमेंट की बात करेंगे, उसमें यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है प्लेसमेंट से यार बच्चों के लिए, तो प्लेसमेंट कैसी है इस कॉलेज की? प्लेसमेंट्स आर गुड, बट द थिंग इज कि जैसे अगर आप कंप्यूटर साइंस से हो, सो इट्स योर पर्टिकुलर फील्ड है ना, सो उससे रिलेटेड जॉब्स आपको मिलेंगी. नाउ एंड में जाके इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी वही कर रहे हैं, मैकेनिकल वाले भी वही कर रहे हैं, सो एवरीबडी इज गोइंग इनटू दैट, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स कोर या मैकेनिकल मैकेट्रॉनिक्स कोर, इनकी बड़ी जॉब्स नहीं आ रही. प्लेसमेंट्स की अगर अपन बात करें तो मोस्टली कंपनीज आर फ्रॉम सीएस साइड, अगर आप हाई रेंजेस ऑफ पैकेजेस देख रहे हो तो कॉलेजेस के, एंड बाकी फील्ड्स के लिए जो कंपनीज हैं उनके ऑफर्स बड़े नहीं होते, तो मतलब मोस्टली सीएस साइड के ही पैकेजेस बड़े हैं. सो हाईएस्ट पैकेज जो था वो ऑफ कैंपस था, वन ऑफ माय फ्रेंड, गुड फ्रेंड, उसका 60 लाख्स जो एज मेंशन इन द 2015, आप नेट पे भी देख सकते हैं, एंड ही वाज फ्रॉम उबर, एंड जो ऑन कैंपस गया है वो इट्स फॉर अमेजन, तो 25 के अराउंड, 27 के अराउंड है वो, एंड फॉर देर आर मेनी लॉट मोर कंपनीज, और इंटर्नशिप के लिए भी आपको फोर्थ ईयर से ही, सब स्टार्टिंग में ही आपको इंटर्न भी ले लेती है एंड यू गेट द जॉब डन, मतलब आपका फिर सेम आपका एसएलआई जाता है, आप आराम से आप जा सकते हो, काम कर सकते हो. वन ऑफ माय फ्रेंड आल्सो गॉट सिलेक्टेड इन टू वो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का ही है, एंड उसका सिलेक्शन उसका हो गया था, जॉब लग गई उसकी, तो बैंगलोर में इंटर्नशिप एक स्टार्टअप कंपनी में, सो उसकी अराउंड 30-35 K उसका था, एंड डायरेक्टली उसकी जॉब स्टार्ट हो गई थी इंटर्न के बाद, एसएलआई के बाद. सो आपको ये ऑप्शन अच्छा मिलता है कॉलेज में, अगर आप इफ यू परफॉर्म गुड यू कैन गेट एन एसएलआई, लाइक लास्ट टाइम आपको नहीं करना है, गो डायरेक्टली टू द इंटर्नशिप कंपनी अगर अप्लाई करती अलाउड करती है, एंड यू कैन गो फॉर द जॉब एंड कंटिन्यू लाइक दैट. और उसके अलावा जो है कि अगर वैसे देखा जाए तो आप प्लेसमेंट्स के बेसिस पे तो इट्स गुड, हमारा एवरेज पैकेज भी अराउंड 9-10 लाख गया था लास्ट ईयर, मैंने मतलब ग्रोथ बहुत अच्छी है, जब मैं आया था तब हमारे उस टाइम पे एवरेज पैकेज था 4, तो उस हिसाब से ग्रोथ अच्छी हुई है, बट यू हैव टू, आई मस्ट से यू हैव टू परफॉर्म रियली गुड इन, नॉट इन थ्योरेटिकल वे बट इन प्रैक्टिकल वे इन द कॉलेज, अगर आपको एक अच्छी जॉब चाहिए स्टार्टिंग से. तो ऑलमोस्ट ये सारी जो यार ईसी ब्रांच और मैकेनिकल ब्रांच है इनके लिए थोड़ा कम है और सीएस के लिए ज्यादा है। और एवरेज पॉइंटर यार आपको क्या रखना पड़ता है सीजीपीए, जो जिसके थ्रू आप सारी कंपनीज में बैठ सको? 6+, 6+ ही मोस्टली होता है कि 6+ कंपनी मांगती ही मांगती है. ओके फाइन। तो यही सब यार प्लेसमेंट, और बाकी कंपनीज वगैरह कौन कौन सी आती हैं बड़ी? बड़ी कंपनीज में आपको बताया मैंने कहा ऊबर तो ऑफ कैंपस था, ऑन कैंपस नहीं था, बट अमेजन हो गई, एंड देर आर लॉट मोर कंपनीज, आप लिस्ट पूरी, देर आर बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज हैं जो आप लिस्ट पूरी नेट पे देख सकते हैं, पेज जो खुद एलएनएमआईटी ने अपने पेज पे भी डाली हुई है, सो यू कैन गो थ्रू द गुड कंपनीज, काफी कंपनीज हर साल आती हैं, बट आई मस्ट से अगेन कोर मैकेनिकल कोर इलेक्ट्रॉनिक जिसे हम कहते हैं उसके अंदर बहुत कम अपॉर्चुनिटी है, बट ऑल दो उसके अलावा इवन सैमसंग वॉज देयर, सैमसंग ने बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दी थी लास्ट ईयर, काफी बच्चे अराउंड 10-11 लाख के पैकेज पे, बहुत सारे बच्चे मास रिक्रूटमेंट किया है सैमसंग ने एट 10-11 लाख, सो इट्स गुड, काफी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं. तो अक्षत ये तो बात होगी प्लेसमेंट्स की, जो आपने बताया सीएससी के लिए मेन है और बाकी सारी ब्रांचेस की इतनी अच्छी नहीं है,
अब भी यार थोड़ा बता दो आपकी फेस्ट वगैरह कैसे रहते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज में कैसा है ये आपका कॉलेज, वो थोड़ा कवर करेंगे। कल्चरल एक्टिविटीज में तो मतलब काफी सही है, काफी अच्छा है, बच्चे खुद ही करते हैं सब कुछ, सो स्टूडेंट्स आर वेरी मच इंक्लूडेड, और बहुत ज्यादा मतलब अच्छा एक एटमोसफेयर है। फैशन क्लब, म्यूजिक क्लब, डांस क्लब्स और स्पोर्ट्स के भी काफी, सबका अपना अपना जो एक रूटीन है, तो आप अगर कुछ भी करना चाहते हो तो आप वहां जाके अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो, बट द थिंग इज कि कॉलेज वोंट सपोर्ट यू मच इन ऑल दिस, इट्स ऑल अप टू यू। सो दिस इज समथिंग दैट कि हाँ कॉलेज का एक फेस्ट है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ सारा काम और सारी मेहनत स्टूडेंट्स की है 101%। सो वी हैव अ वेरी गुड फेस्ट, कल्चरल फेस्ट होता है हमारा विवेसिटी, हमारा स्पोर्ट्स फेस्ट है, डेस्पोर्टिवस टेक्निकल फेस्ट भी है, सो दीज ऑल थिंग्स आर देयर। तो काफी अच्छा है, मतलब एक एनवायरमेंट है, जनवरी के टाइम पे तीनों फेस्ट एक साथ होते हैं तो बहुत फन होता है, बहुत मजा आता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मैनेजमेंट करने को मिलता है बच्चे, तो वहां जाके, बट दिस इज समथिंग वेर आई एम सेइंग कि स्टूडेंट ही इंक्लूडेड है, तो व्हेन यू गो देयर इंटरेक्ट विद योर सीनियर्स, अगर जितना ज्यादा अपने सीनियर्स से इंटरेक्ट करोगे उतना ज्यादा उस कॉलेज की लाइफ को ज्यादा एंजॉय भी करोगे एंड आपको उस कॉलेज में सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। आई मस्ट से कि वहाँ स्टूडेंट अगर अदर देन अकेडमिक कुछ सीखना चाहता है तो इट्स ऑल अबाउट यू, आप अपने स्टूडेंट्स अपने सीनियर्स के साथ इंटरेक्ट करो, देर आर लॉट मोर अपॉर्चुनिटीज एंड बहुत फन है। आई वॉज अ पार्ट ऑफ फैशन क्लब, सो इट्स रियली फन। तो यार काफी सही आपने जिस हिसाब से बताया लग रहा है काफी अच्छा है यार, कल्चरल एनवायरनमेंट और फेस्ट वगैरह काफी अच्छे होते हैं आपके वहाँ के। तो हमने ऑलमोस्ट सारे फैक्टर्स कवर कर लिए हैं अब इसके बारे में, तो एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट आप क्या दोगे अपने कॉलेज के बारे में? सो ओवरऑल कॉलेज इज वेरी गुड, पैकेजेस के बारे में, प्लेसमेंट, लाइफ स्टाइल, कल्चरल, एवरीथिंग, सो इट वॉज फन, आई एंजॉयड माई कॉलेज लाइफ, और अभी भी मैं हॉस्टल लाइफ को बहुत मिस करता हूँ। सो हो सकता है वहां जाके थोड़ा बहुत इंसान फ्रस्ट्रेट भी होता है, परेशान भी होता है, नया एनवायरमेंट होता है, हर कोई इस तरीके की जिंदगी नहीं जिया है, बट दिस इज अ मस्ट, मतलब ये जिंदगी जीनी बहुत जरूरी है एंड यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स आउट देयर। तो मेरे भी काफी सीनियर्स हैं, इवन आई एम द वन जो टेक्निकली उसको फॉलो नहीं कर रहा है, राइट, बट ये ऐसी चीजें हैं जो आप वहां जाके सीखते हो। सकता है आप वहां जाके फैशन क्लब में इतने इंक्लूड हो जाओ, आप आगे जाके कुछ फैशन रिलेटेड कुछ कर रहे हो, डांस क्लब में इतने अच्छा हमारा डांस कर रहे हो, या आप स्पोर्ट्स साइड में कुछ अच्छा कर रहे हो, सो दिस इज समथिंग, तो गो देयर, एंजॉय योर जर्नी, और वहां जाके आप अपने आप को खुद को ढूंढे कि आप क्या लाइफ में बनना चाहते हैं। सो दिस इज वेरी गुड, अमेजिंग एक्सपीरियंस इन माई कॉलेज। ओके यार, तो काफी अच्छा बताया आपने कि काफी अच्छा कॉलेज है। एक तरह देखा जाए तो एवरेज लेवल पे रहता है कॉलेज, अगर देखें हम बाकी कॉलेजेस के अकॉर्डिंग, तो ठीक है यार उस हिसाब से आपका कॉलेज। तो यहीं पे यार खत्म करते हैं इसके बारे में, सारी डिटेल्स रह गई हैं, बाकी अगर कोई भी स्टूडेंट कुछ पूछना चाहेगा तो मैं आपका इंस्टाग्राम हैंडल डाल दूंगा, वो आपको डीएम कर सकता है, और मैं अपना भी डाल दूंगा, तो जिसको भी डाउट हो वो यार हम में से किसी को भी मैसेज कर सकता है या फिर मेल कर सकता है, तो हम आपको आंसर जरूर देंगे। तो यहीं पे यार रैप अप करते हैं। ओके, सी यू यार। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, एंड आई मस्ट से आप सब लोग जो भी कॉलेज जाने वाले हैं, जो भी कॉलेज जाएं, डिप्रेस नहीं हो, नई जिंदगी को नई तरीके से शुरुआत करें, मोटिवेटेड रहें एंड खुद को ढूंढें और अपने ड्रीम्स को फॉलो करें, एंड ऑल्सो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें इसके चैनल को, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये, एंड डू लाइक दिस वीडियो, कमेंट बिलो आपके जो भी क्वेरीज हैं एंड एनीथिंग, सो टिल देन पीस।